था, क्या कहते हैं, सम्मेलन जितना हुआ था, G20 सम्मेलन, ये सबसे पूछा गया था। ओके, और G20 होने वाला या हो गया है? जो हो, क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन रहा है, एक नंबर। जीके का क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव करंट अफेयर से आया था, पूछा था सूर्य कुमार यादव से जुड़ा कि 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आपको? ठीक था। अटेम्प्ट किया 70 अटेम्प्ट किए। जी, क्या लगा क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल सर, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जो टफ था मैथ था, लेंदी था। एक्चुअली क्या था कि अर्थमेटिक को जो है ना बहुत ज्यादा टफ किया गया था, जैसे कि कैसा था, कैसा मैथ का क्वेश्चन, जैसे HCF LCM में था, बहुत टफ था, सबसे ज्यादा CI में टफ था, ठीक है, टाइम एंड वर्क में था, इफिशियंसी था, और मतलब कि एक तो कैलकुलेटिव था, पूरा कैलकुलेटिव था। रीजनिंग में आपका जो है थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट था, और अगर कोई भी चाहेगा ना तो नंबर सीरीज से बिल्कुल भी नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग से पूरा भरा हुआ था, और कोडेड इक्वेशन था, डायरेक्शन से भी नहीं था, नहीं डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था बट हल्का था, पजल बिल्कुल नहीं था, ब्लड रिलेशन था, बहुत सबसे टफ था ब्लड रिलेशन, बहुत टफ था। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा था बच्चों को, कि ब्लैक एंड व्हाइट जो लेके जा रहे थे उन्हें लौटा दिया जा रहा था, रंगीन लेके आओ, ये सब एडमिट कार्ड का, तो ये सब चीज़ था, और सबमिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जितना भी एग्जाम अभी तक मैं दिए हैं सबसे मुश्किल यही था इसका, क्योंकि इसका जो AI कह सकते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, कि पहले कोई GK दिए, GK के बाद आपको सबमिट बटन क्लिक करना पड़ेगा, उसमें आपको दिखाएगा आप कितना अटेम्प्ट किए, फिर आप नेक्स्ट पे जाइए, तो एक डर बना रहेगा कि हम अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसी कारण। GK में आपका क्वेश्चन बहुत कह सकते हैं टफ था, लेकिन जैसे संविधान से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक से भर के था, करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन था, हाँ है, राष्ट्रपति का चुनाव किस भाग में है, राष्ट्रपति का, जी ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपका निर्वाचन नीति आयोग के बारे में था, ठीक है, करंट अफेयर में आपका एग्जैक्ट सर याद नहीं है क्योंकि नीति आयोग वाला, और मैथ्स में आपका CI और टाइम स्पीड और डिस्टेंस का मोस्ट कैलकुलेटिव पोर्शन सब था, ठीक है। करंट अफेयर में आपका, क्या कहते हैं, सम्मेलन जितना हुआ था, G20 सम्मेलन, ये सबसे पूछा गया था। ओके, और G20 होने वाला या हो गया है, जो हो गया था उसके बारे में था, और आपका ये इंडेक्स से सूचकांक से पूछा गया था, ये सब था। और बिहार से रिलेटेड? नहीं, बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बिहार का नगर निगम इलेक्शन, हाँ दिल्ली का नगर निगम, नहीं उससे भी नहीं था, हाँ क्रिकेट से भी नहीं था, आपका टेनिस से था, और ये जो इंग्लिश का पोर्शन था, इंग्लिश में आपका इंग्लिश को चूज किया, हाँ इंग्लिश को चूज किया था, सिनोनिम एंटोनिम बहुत आसान था, फिल इन द, आपके हिसाब से हिंदी इंग्लिश में कौन सा बेहतर रहता है? अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो इस एग्जाम के मुकाबले इंग्लिश बहुत हल्का था, इंग्लिश सबसे हल्का था इस चार पोर्शन में, हिंदी से बहुत हल्का इंग्लिश था, और सबसे कैलकुलेटिव था मैथ। जो बच्चा ये सोच के गया होगा कि मैथ बाद में अटेम्प्ट करेंगे, वो 10 से 12 में अटक गया होगा, कट ऑफ अप्रॉक्स 65, उससे ज्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो 65 उससे ज्यादा। अभिषेक कुमार सबोर घर हुआ, कितना करेंगे, कितना बना दिए, बताइए कौन जी, बताइए कैसा क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन रहा है, एक नंबर, कितना आप बनाए? हम 86 अटेम्प्ट लिए हैं, 86, हाँ क्या लगता है कि उसमें से कितना सही होगा? सही तो हो जाइएगा 80, हाँ। और लेवल कैसा था GK का? GK लेवल बहुत टफ था, BPSC वाला, हाँ मैथ भी कैलकुलेटिव था। BPSC का जैसे दो, एक ऑप्शन दो ऑप्शन देता है ना, वही ऑप्शन वाला था, और मैथ मैथ कैलकुलेटिव था, परसेंटेज ज़्यादा क्वेश्चन था, एक था साइन थीटा कॉस थीटा करके, रीजनिंग भी ठीक था, रीजनिंग सब था, कोई दिक्कत नहीं, MTS रीजनिंग में अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद गोल गोल घेरा वाला, सिटिंग अरेंजमेंट, और इंट्री के टाइम क्या क्या लग रहा था? इंट्री के टाइम एडमिट कार्ड आधार कार्ड और क्या, एडमिट कार्ड के फोटोकॉपी कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट या प्रिंटेड? प्रिंट वाला, प्रिंट वाला, कैफे वाला ही दिया था। क्या नाम है आपका, कहां से? आयुष मिश्रा, यही भागलपुर का ही है। आप बताइए कितने अटेम्प्ट किए? जी हम 80 अटेम्प्ट किए हैं अभी तक में, हां थोड़ा टफ था। और GK का क्वेश्चन कैसा था? GK क्वेश्चन सब करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 21-22 वाला, जनवरी वाला पूछा गया, दो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था कि 2023 में जो है ना जनवरी में कि करना बेंगलोर जो है किस लोक नृत्य को अपनाया, इसी कुछ ऐसे कुछ था, याद तो उतना नहीं आ रहा लेकिन था। GK में संविधान से? संविधान से नहीं था, अनुच्छेद से था, संविधान भाग पूछा, हाँ हाँ वही पूछा, राष्ट्रपति किस भाग में आता है, राष्ट्रपति किस भाग में था, और राष्ट्रपति का पूछा था कि मतलब उसका जो मतलब उसका योग्यता होता है ना। हिंदी जो क्वेश्चन बहुत टफ था, समझे में ना आ रहा था, हिंदी सेलेक्ट किए थे, बहुत टफ था क्वेश्चन। उसके बाद और मैथ ठीक ठाक था,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद भारत, मैं मुंगेर जिला से आया हूँ। मुंगेर से कम बने आप बताइए, जीके का क्वेश्चन याद है तो? जीके का क्वेश्चन सूर्य कुमार यादव करंट अफेयर से आया था। पूछा था सूर्य कुमार यादव से जुड़ा कि कोई आया था करंट अफेयर कि किस खेल संबंधित है, तो क्रिकेट होगा। यादव किस खेल से संबंधित? यस हाँ ठीक। और सानिया मिर्जा किस खेल संबंधित है? टेनिस, वो आया था। और मैथ में भी आया था। नहीं, जीके का पूरा बताइए पहले। जीके में पॉलिटी से और आर्टिकल से एक आया था। आर्टिकल से क्या था? आर्टिकल से नहीं, इस राष्ट्रपति का योग्यता योग्यता हाँ हाँ आया था। और बताइए आप, इधर आ जाइए सामने। और बहुत याद नहीं है। मैथ में बताइए। मैथ में आया था, सीआई से आया था, एसआई से आया था, और परसेंटेज से भी आया था। और इंग्लिश, ये हिंदी टच किए थे। चलिए, क्या नाम है और कहाँ से आए? ये विक्रांत कुमार मुंगेर से। आप बताइए तो, आप क्या बता रहे? मैथ में जो अभी क्वेश्चन आया अनुकल, राष्ट्रपति वाला क्या बता रहे? राष्ट्रपति का जो मतलब बनने के लिए जो योग्यता होता है ना, वो किस भाग में है? और पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री से? हिस्ट्री से एक पूछा था अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के बारे में उसको क्या बोला जाता है? ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं था। इकोनॉमिक्स से भी नहीं था। करेंट से बहुत ज्यादा था, 8-10 सवाल करेंट याद है कोई? यार ये तो बता दिए, वही सब था। और मैथ के बारे में बोले तो मैथ में कैलकुलेटिव आ रहा है। मैथ कैलकुलेटिव है। रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी बात ही आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।